हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, मेरी तरह एकदम परफेक्ट। तो गाइस, आज की जो वीडियो मैं बताने वाली हूँ आपको, वो है 10 बेस्ट स्नीकर्स ब्रांड इन इंडिया। गाइस, आपको पता है कि स्नीकर्स का कितना अच्छा ट्रेंड चला है। कुछ भी आउटफिट हो, आप उसके नीचे स्नीकर्स वेयर कर ही लेते हैं, उसको कैसे भी पहन ही लेते हैं। एंड देन बॉयज की तो फेवरेट है ही, क्योंकि वो हर चीज में कंफर्टेबल होते हैं। इफ अगर आप डांसर हो या फिर वर्किंग हो, तो आप कुछ भी मतलब उसको वेयर कर सकते हो इजिली। एंड लड़कियों के लिए तो वन पीस हो, आज तो मैंने साड़ीज पे देखा है लोगों को स्नीकर्स पहनते हुए, तो स्नीकर्स सबके फेवरेट है। तो मैं आपको वही बताने वाली हूँ, 10 ब्रांड्स की स्नीकर्स के कौन से हैं, कितने का कितना प्राइस है, आप कैसे उसको अफोर्ड कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। तो वही मैं आज इस वीडियो में आपको सब कुछ बताने वाली हूँ। तो वेट ना कराते हुए फटाफट वीडियो स्टार्ट कर देते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले डोंट फॉरगेट टू लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। गाइस, 10 बेस्ट स्नीकर्स ब्रांड इन इंडिया, फर्स्ट नंबर पे हमारा प्यूमा। तो प्यूमा के प्राइजेस स्टार्ट हो रहे हैं, सॉरी, प्यूमा के प्राइजेस स्टार्ट हो रहे हैं 934 रुपीज से 10,990 रुपीज तक। तो ठीक है, 1,000 रुपीज तक तो ठीक है। एंड देन यहाँ पे प्यूमा के स्टाइल्स इतने अच्छे होते हैं, इफ मैंने अभी भी प्यूमा वियर कर रखा है तो आप इजिली इसको परचेज कर सकते हैं। एंड देन नाइक सेकेंड नंबर पे है नाइक, तो यहाँ पे आपका स्टार्ट हो जाते हैं 3,000 से। एंड देन 20,000 रुपीज तक इसकी रेंज है, तो आप इजिली देख सकते हैं कि यहाँ पे कितने अच्छे अच्छे डिजाइन है। मतलब आप इसको किसी भी चीज के ऊपर वियर कर सकते हैं। अगर आप ज्यादा ही यूनिक स्टाइल रखते हैं तो उससे रिलेटेड भी आपको सारे शूज मिल जाते हैं यहाँ पे। एंड देन थर्ड नंबर पे है फिला। फिला के प्राइजेस स्टार्ट होते हैं 800 से एंड देन 9,000 समथिंग तक इसके प्राइजेस हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे शूज भी शो हो रहे हैं। एंड फोर नंबर पे है कन्वर्स, तो कन्वर्स का प्राइस स्टार्ट होता है 2,399 रुपीज से एंड देन 16,000 रुपीज तक इसके प्राइजेस हैं। एंड देन यहाँ पे है फिफ्थ नंबर पे एडिडास। आई लव एडिडास सीरियसली, तो इसके शूज जो स्टार्ट होते हैं 2,000 रुपीज समथिंग से स्टार्ट होते हैं एंड 57,000 रुपीज तक इसकी प्राइजेस हैं। यू नो कि बड़े बड़े सेलिब्रिटीज एडी के शूज पहन के मतलब घूमते हैं, कहीं भी जाते हैं और एडी इतना कंफर्टेबल होता है एंड देन इतना स्टाइलिश लगता है ना वेयर करने के बाद, तो आई तो लव इट। उसके बाद है यहाँ पे सिक्स नंबर पे स्केचर्स है, जो कि स्टार्ट होते हैं 2,384 रुपीज से एंड 30,000 रुपीज तक इसके प्राइजेस हैं। उसके बाद सेवन नंबर पे है रिबॉक, तो रिबॉक भी बहुत हाईएस्ट ब्रांड है, सबको पता है कि रिबॉक और एडी थोड़े फेमस है। एंड देन उसमें यहाँ पे शूज स्टार्ट हो जाते हैं 1,000 या 1,500 रुपीज तक समथिंग स्टार्ट हो जाते हैं। एंड देन प्राइस तो आप कितना भी आगे बढ़ा के देख सकते हैं, शूज एक से एक मिल ही जाएंगे आपको। एंड देन नाइन्थ नंबर पे है लिवाइस, तो लिवाइस थोड़े डिसेंट टाइप शूज है, 1,399 रुपीज से स्टार्ट होते हैं, 4,000 रुपीज तक इसकी रेंज है। तो सी आप देख सकते हैं, अगर आप ऑफिस में फॉर्मल्स पहने तो फॉर्मल्स के नीचे भी मेरे को तो लगता है कभी कभी हम लोग चीटिंग करके अलग वेयर कर सकते हैं, इतना नहीं पता चलता है। एंड देन उसके बाद है 10 नंबर पे यूनाइटेड कलर्स ऑफ बेनेटन, तो ये स्टार्ट होता है 973 रुपीज से एंड देन 3,499 रुपीज तक इसकी रेंज है। गाइस, हम लोग 1,000 रुपीज ना ऐसी मार्केट में शूज खरीद लेते हैं जो कि ब्रांडेड नहीं भी होते हैं। इफ अगर हमें 1,000 रुपीज में ब्रांडेड शूज मिल रहे हैं तो वो अच्छी बात है। एंड देन गाइस, अच्छा है क्योंकि शूज ना ये जितने भी ब्रांड्स के लोग ज्यादा चलते भी हैं एंड देन क्लासी भी लगते हैं, इफ अगर आप खुद भी वियर कर रहे हो तो। तो ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया क्योंकि आप लोगों को पता चल जाए, कभी कभी ये कंफ्यूजन रहती है यार ये मतलब इतना अच्छा ब्रांड है, कहीं इसको हमारे रेंज में शूज मिलेंगे भी कि नहीं मिलेंगे, 1,000 रुपीज में मिलेंगे भी नहीं मिलेंगे। तो वही इन्फॉर्मेशन मैंने आपको देने के लिए बनाया है। तो अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी पता चल जाए कि 1,000 रुपीज में भी ब्रांडेड शूज मिल जाते हैं। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, साइड में बेल आइकन इसको प्रेस करना ना भूलें ताकि नेक्स्ट टाइम मैं आपके लिए और वीडियो लेके आऊँ तो आप उसको मिस ना कर पाए। एंड अगर आपको कोई भी क्वेरी है कोई भी, तो मुझे कमेंट करके पूछना ना भूलें। अब मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन हैप्पी शॉपिंग, बाय बाय।